हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। तो आज देखो माधव की रसोई में क्या बन रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ गर्मियों के लिए तरोताज़ा करने वाली एक नई रेसिपी। तो चलो बनाते हैं अपनी रेसिपी। ये हमारे पास तरबूज से बनाएंगे रेसिपी। पहले हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। और इसको हम अलग रख देंगे और इसके भी हम पीस कर देंगे। ऐसे हम इसके पीस कर लेंगे। और अब हम इसको छील लेंगे। और इसके भी हम छोटे छोटे पीस करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर जार में इसको डालेंगे। ये हमने मिक्सर जार में डाल लिया है और इसमें डालेंगे चीनी। 4 चम्मच ये चीनी है, तो चीनी अपने स्वाद अनुसार, और अगर आपका तरबूज मीठा है तो थोड़ी सी कम डालें, अगर मीठा नहीं है तो थोड़ी ज़्यादा डालें। ये देखो हमने पूरे तरीके से पीस लिया इसको, और मैं आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छे से इसका, बहुत रसीला इसका बनके तिवोहा पेस्ट। अब हम क्या करेंगे इसको, अगर आप छानना चाहते हो तो छान भी सकते हो, अगर बिना छाने इसको बनाना चाहते हो तो बिना छाने। तो मैं इसको छानूंगी नहीं क्योंकि बहुत अच्छे से ये पिस चुका है, तो मैं इसको ये आइसक्रीम बोल में डाल दूंगी क्योंकि इसका टेस्ट भी तो आना चाहिए ना। ये हमारी इतनी बनके तैयार हुई है, तो इसको मैं ढक दूंगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमने इसके अंदर भर दिया है, ये 2 खाली रह गए हैं, तो जितने जने हैं उतनी मैंने आइसक्रीम बनाई है। तो अब हम एक फॉइल से इसको कवर कर देंगे। इसको फॉइल से कवर करके और फ्रीजर में रख देंगे। इसको 6 से 7 घंटे आप फ्रिज में रख दें। बहुत अच्छी आइसक्रीम जम के तैयार होती है तरबूज की। तो ये चलो मिलते हैं इसे 8 घंटे के बाद। हमारी आइसक्रीम देखते हैं हम खोल के, ये देखो नन्हे मुन्ने हमारे घर में बच्चे हैं, उन्होंने ना बीच बीच में से फाड़ के देखी है। तो ये देखो एक बच्चा है ना हमारे घर में नटखट, उसने देखा है खोल के मेरे से पीछे, मैं घर पे नहीं थी तो उसने पीछे से खोल के देखा है। तो ये देखो हमारी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट जम के तैयार हुआ है। तो मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ तरबूज की आइसक्रीम। ये देखो फ्रेंड्स, हम अपनी आइसक्रीम को आराम से ये निकल आएगी। ये है तरबूज की आइसक्रीम और खाने में बहुत सुपर टेस्टी है। इसमें मैंने थोड़ी सी जमाई थी तो वो नटखट बच्चा खा गया निकाल के। आप भी अपने घर पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों के लिए बना के
खिला सकते हैं। ये देखो कितनी सुपर टेस्टी और यम्मी लग रही है। तो आप भी तरबूज की आइसक्रीम बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ सबको राधे राधे। ये हमने इसको आधा तरबूज लिया था और आधा तरबूज लेने के बाद में उसमें 4 चम्मच चीनी डाली थी और चीनी डालने के बाद में उसमें चलाया था मिक्सी में। मिक्सी में चलाने के बाद उसको मैंने, क्योंकि मैंने छाना नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, देखो कितनी सुपर और टेस्टी लग रही है, इसके अंदर कोई बीज नहीं है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा लाल कम था, तो लाल कम होने की वजह से नहीं, मतलब ज़्यादा रेडनेस नहीं है इसके अंदर, मैंने कोई कलर वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ, जैसा मेरा तरबूज था वैसी ये मेरी आइसक्रीम बन के तैयार हो गई है। तो इसी के साथ सबको राधे राधे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ जय भीम।